सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहिं किदीना। हृदय का दर्पण गंदा हो और आंखों से ज्ञान के अभाव में व्यक्ति अंधा हो तो राम जी के दर्शन कभी नहीं हो सकते। तो अध्यात्म की पहली फर्स्ट स्टेप ऑफ रिलीजन एंड लास्ट स्टेप ऑफ रिलीजन इज प्योरिटी। पहली सीढ़ी और आखिरी सीढ़ी पवित्रता है, केवल पवित्रता। तपस्या करें, भजन करें, उपवास करें, त्याग करें, सेवा करें, समर्पण करें, अपने आप को लुटा दें, किसी भी तरह हृदय में पवित्रता आ जाए, फिर देखो कैसे प्रभु प्रकट हो। कहते हैं निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र दुरावा। और हो गई पवित्रता, आ गई तो कहते हैं मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाऊं विश्राम। एक बार पवित्रता आई तो भक्त की ये दशा हो जाती है कि मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाऊं विश्राम। जीवन की कोठरी, कितना पूजा आपने किया, कितनी घंटी बजाई, कितने भोग लगाए, ये भी फैशन न बन के रह जाए कहीं कि हम तो रोज मंदिर जाते हैं। अच्छा, आते ही बहू के ऊपर नाराज हो जाते हैं, आते ही नौकर के ऊपर नाराज हो जाते हैं। If you are spiritual, then some indication should come. अगर आध्यात्मिक है तो कोई इंडिकेशन मिलना चाहिए। अगर एक आदमी पैदल चलता है ना तो कहीं पहुंचता है। एक से हमने पूछा, चलते हो? रोज चलता हूं, थक जाता हूं 3 घंटे, लेकिन पहुंचता नहीं कहीं। अच्छा, तो आप चलते नहीं होंगे ना, पसीना आ जाता है, हांफने लगता हूं, थक जाता हूं, देखता हूं इतनी कैलोरी बर्न की लेकिन कहीं पहुंचता नहीं। तो पहुंचने के लिए चलते हो? हाँ, पहुंचने के लिए तो चलता हूं। जाकर देखा वो एक ही जगह कूदता है। चलने का अर्थ है कदम आगे बढ़े, जमीन पीछे खिसके, मंजिल करीब आए। मंजिल करीब आए तो चलना माना जाएगा। एक आदमी कार में बैठा है, पेट्रोल भरवा लिया, गाड़ी स्टार्ट की, एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी होंच होंच कर रही है, 3 घंटे रोज चलाता है, पहुंचे कहीं? पहुंचे तो नहीं कहीं, लेकिन रोज 500 रुपये का तेल खर्च हो जाता है। 3 घंटे खर्च हो जाते हैं तो गाड़ी पहुंचने के लिए बोले, हाँ लेकिन आज तक पहुंचा नहीं, क्यों? गियर में डाला ही नहीं, गियर में डाला ही नहीं कभी। गाड़ी की पुछाई हुई, सफाई हुई, इंतजाम हुआ, तेल डाली, गाड़ी चलाया, लेकिन पहुंचे नहीं। 4 घंटे में पूजा करती हूं या करता हूं? बिना पूजा के तो मैं खाना ही नहीं खाता, बिना पूजा के तो मैं रह ही नहीं सकता। तो कहीं पहुंचे कितने साल से? 20 साल से। अरे 4 घंटे 20 साल जो साधना करेगा परम सिद्ध हो जाएगा। और 4 घंटे आप साधना में लगे हो, क्या मिला अभी तक? नहीं, शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता था, आजकल टेंशन भी रहता है, चिड़चिड़ापन भी बढ़ गया है, पूजा के समय ही गुस्सा आ जाता है। ये कौन सी यात्रा है, ये कौन सी पूजा है कि 20 साल करने के बाद अवस्था ये है? ईश्वर मिला या नहीं मिला, परमात्म प्राप्ति हुई या नहीं हुई, यदि आप साधना करते हैं तो कम से कम मन में शांति तो आनी चाहिए। अगर आप साधना करते हैं क्रोध पे नियंत्रण तो आना चाहिए, आपके हृदय में आनंद तो आना चाहिए, जीवन पवित्र तो होना चाहिए, भय से दूरी तो बढ़नी चाहिए, तनाव कम तो होना चाहिए, परमात्मा के प्रति भरोसा तो होना चाहिए। ठीक है ईश्वर नहीं मिले, लेकिन कुछ भी नहीं, गुड्डे गुड़िया का खेल चल रहा है। हम ये नहीं कहते कि आप ये न करें, ठाकुर जी को नहलाए नहीं, भोग न लगाएं, ये भी हमारी भारतीय परंपरा है। साकार उपासना में जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तही रीति, जैसी भावना हो प्रभु स्वरूप में दर्शन देंगे। लेकिन ख्याल रखना कि हम कर क्या रहे हैं। पवित्रता के अभाव में की गई सारी साधनाएं बेमानी है। इसलिए कोशिश हो कि हम पवित्र हो जाएं तो ईश्वर प्राप्ति में देरी नहीं। घर की कोठरी साफ करते हैं या नहीं? रोज झाड़ू लगाते,
थक जाए तो झाड़ू लगाने वाला कोई बुला लेते हैं, ऐसा भी करते हैं। मन में कभी झाड़ू लगाया? नहीं लगाया। भीतर की कोठरी भी थोड़ी साफ कर लो, वो आएगा तो बाहर नहीं भीतर ही आएगा। और अंदर आता है वो झांकता है, बहुत गंदगी है। क्या क्या गंदगी? ईर्ष्या भरी है, पड़ोसी के प्रति घृणा भरी है, द्वेष भरा है, लोभ लालच। एक कचड़े का डब्बा भीतर भर के जाऊं किधर? भगवान आते हैं और भाग जाते हैं। इसलिए मन की कोठरी साफ कर ले।